BenQ का मॉडल GL2030 और ये 20 इंच का मॉनिटर है, इसमें फॉल्ट क्या है देख लेते हैं पहले। इस 20 इंच के मॉनिटर में नो इंडिकेटर का फॉल्ट है, पावर स्विच दबाने पर भी ये ऑन नहीं होता है। सो चेक कर लेते हैं आखिर क्या है गड़बड़ी इसके अंदर। स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करने हैं। पहले तो आप चेक करो 230 वोल्ट कंप्लीट है या नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको देखना है 251 वोल्ट आ रहे हैं, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है 300 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं मेन फिल्टर पे। ब्रिज रेक्टिफायर के दो लीड्स हैं, प्लस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं 345 वोल्ट ओके है डीसी वोल्टेज। अब आउटपुट देखना, ठीक है। हम आउटपुट देखने के लिए यहाँ 20 की रेंज करेंगे या मैक्सिमम 5 वोल्ट है इसमें से पावर सप्लाई से जो निकल रहा है, ठीक है, और बाकी बैकलाइट ड्राइव के लिए अलग इसी बोर्ड से जाएगा। तो यहाँ 5 वोल्ट जो मदरबोर्ड में जा रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं, 5.26 वोल्ट कंप्लीट है, ठीक। इसके बाद हमें अब मदरबोर्ड पे पहुंचना है नो इंडिकेटर के लिए। अब जो फॉल्ट है वो मदरबोर्ड के अंदर है। सभी वोल्टेजेस चेक करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रोसेसर को कौन सी सप्लाई की जरूरत है, ठीक है। मॉनिटर के लिए 3.3 और 1.8 वोल्ट की जरूरत होती है। हम चेक कर लेते हैं 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहला वोल्टेज हमें वो चेक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट कम्प्लीट, ठीक है। और 5 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, ये 5 वोल्ट 3.9 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर 5 वोल्ट पहुंचाएगा। रेगुलेटर है 1.8 वोल्ट का, जो रैम सप्लाई जो प्रोसेसर के अंदर रैम है उसके लिए होती है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं बन रहा है 1.8, और ये ग्राउंड पिन है, मतलब ये स्विच नहीं है। इसमें 5 वोल्ट आ रहा है तो आउटपुट बनना ही चाहिए, ठीक है। अगर जो आउटपुट नहीं बन रहा है तो इसकी वजह या तो रेगुलेटर खराब है या ड्राई सोल्ड है, ठीक है। ड्राई सोल्ड तो हमें कहीं से नजर नहीं आ रहा है, तो हम रेगुलेटर को बदल रहे हैं। ओके, के डायोड टेस्ट हम करेंगे। रेड प्रोब ग्राउंड पे रखा है, ब्लैक प्रोब 1.8 वोल्ट के आउटपुट पे। ये नेगेटिव प्रोब हमने 1.8 जो रैम में जाएगा वहां पे रखा है, और पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड पे है और रीडिंग दे रहा है 0.441, मतलब शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट किसे बोलेंगे, ये शॉर्ट हुआ तो शॉर्ट तो नहीं है लेकिन ये रेगुलेटर ओपन है, ठीक है। अब हम इस रेगुलेटर को बाहर निकाल कर दूसरा रेगुलेटर रिप्लेस करेंगे। इसके बाद हम दूसरा लगा लेते हैं। रेगुलेटर फिक्स किया है, जस्ट ठंडा कर लिया है बोर्ड को। अब हम पावर देते हैं, ठीक है। अब पावर की दबाने पर यहाँ येलो इंडिकेटर आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट एकदम परफेक्ट है। यहाँ दिखा दो मीटर, ओके। और पैनल में जाने वाले 5 वोल्ट 5.2 वोल्ट के करीब बता रहा है, ठीक है। फॉल्ट था डेड सेट, उसे हमने रिपेयर किया कैसे, 1.8 वोल्ट जो रैम सप्लाई के लिए जाने वाले थे वो बंद थे, ठीक है। सो बोर्ड को फिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं आपको पिक्चर तो नहीं लेकिन पैटर्न दिखा सकूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम RT809H प्रोग्रामर का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम ये सिग्नल्स लेके आ रहे हैं, ठीक है।